नमस्ते दोस्तों, हम सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट विद अस में। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में, जो 5% अपसाइड जाकर फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ। आपको पता होगा कि ये किस लिए 5% का सर्किट मारा है। ये लगातार मार्केट गिरावट होने के बावजूद इसमें 5% का सर्किट जो मारा है, उसका जो कारण है वो आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कारण है ना, ये डेप्ट सेटलमेंट का। जी हाँ दोस्तों, जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी रिलायंस पावर है, अब एक रिवर्सल लेने के लिए और नया टारगेट लेने के लिए भी रेडी हो रही है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट की हो तो अब एक तरह से मूवमेंट आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आखिर तक बनिए रहिए और चैनल पर बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको रिलायंस के पावर के बारे में डे टू डे अपडेट मिलता रहेगा। हम आपको हर टाइम पर कोई भी न्यूज़ आएगा तो बताते रहेंगे। पहला चीज़ जो न्यूज़ आई है ना, वो ये है डेप्ट सेटलमेंट का है। और डेप्ट सेटलमेंट जो हो रहा है, प्रमोटर रहेंगे और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के गारंटर लोग मिलकर डेप्ट सेटलमेंट किया जा रहा है। और किसके साथ किया जा रहा है, जो बैंक है उसका नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक एक टाइम पर लोन दिया गया था और सेटलमेंट के लिए अब ICICI बैंक को रखा गया है और उनको सेटलमेंट किया जाएगा। तो ये न्यूज़ आते ही ना बहुत ही तेज अपसाइड रैली देखने को मिला है। और हमारा जो गिरावट वाले मार्केट में भी हमने आपको बताया था, हमारा एक सपोर्ट जो रहेगा 20.65 पे रहेगा। और देख लीजिए 20.65 से एक बार दो बार यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया था और यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिला। कैंडल्स बहुत स्ट्रांग है, एक बार हुआ, दो बार हुआ और जब मार्केट क्लोज हो रहा था ना तो भी एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। जैसे कि 13,09,603 शेयर्स ना प्लेस्ड हुए हैं बाय की तरफ में, मतलब कि अभी बाय ना खड़े हो चुके हैं लेने के लिए। तो एक मोमेंट हमको ना अपसाइड और पहला जो टारगेट रहेगा वो 2700 तक का देखने को मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।